सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फोन के अंदर व्हाट्सएप के बारे में। दोस्तों मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि जियो फोन के अंदर व्हाट्सएप की अपडेट आ चुकी है, बड़ी ऐसे से जियो फोन के अंदर भी आप व्हाट्सएप चला सकोगे। पर दोस्तों कल मैंने इस फोन पर वीडियो बनाई थी और बेसिकली मैंने इस फोन के अंदर व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया था, तो दोस्तों बड़ी ऐसे से व्हाट्सएप काम कर रहा है। और दोस्तों मेरे पास ये दूसरा फोन है जो कि मैंने कैसे एडजस्ट किया है। दोस्तों इस फोन में प्रॉब्लम यह आ रही थी कि जब भी इस पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट मांग लेता था, और बाद में तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम आ रही थी जो काफ़ी यूजर्स को आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे। तो दोस्तों मैंने ऐसा क्या किया कि आज इस वीडियो आपको मैं इस फोन में भी व्हाट्सएप आपको चला के दिखाऊंगा और ये फोन बड़ी एसेंस से व्हाट्सएप को यूज कर पाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल के किसी यूट्यूब चैनल का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस राइट कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको दो चीजें बता दूं कि इस फोन के परफॉर्मेंस में और इस फोन के वर्किंग परफॉर्मेंस में काफी दिन रात का अंतर है। अगर मैं आपको दोनों फोन एक साथ चला के दिखाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि फोन कौन सा फास्ट काम कर रहा है। तो दोस्तों ये फोन देखो कितना, मतलब कि कितना अच्छा जल्दी रिस्पांस करता है, ये चीज़ आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो। उसके कंपैरिजन में बहुत स्लो काम करता है। बेसिकली देखो खोल कुछ हो रहे थे, ओपन कुछ और हो जाता है। तो दोस्तों पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, मैंने पहले सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया था इस फोन का, तो ये बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट मैंने इसका कर लिया था, इसका पहले से ही सॉफ्टवेयर अपडेट था और बड़ी एसेंस से मैं व्हाट्सएप इसके अंदर चला पा रहा हूँ। तो दोस्तों दिस सिस्टम इज ऑलरेडी अप टू डेट। तो दोस्तों पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, ये रेड बॉक्स का है जो कि रेड बॉक्स के अंदर आता था, इसके कीबोर्ड से भी आपको बड़ी एसेंस से पता लग जाएगा। और ये जो दूसरा मोबाइल है ये जो कि ब्लू बॉक्स के अंदर आता है, ये बड़ी एसेंस से आप यूज कर सकते हो, जिसमें कि व्हाट्सएप बिना किसी परेशानी के चल रहा था। तो दोस्तों दोनों में फ़र्क ये है कि आप इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके नहीं रख सकते। अगर आपके मोबाइल में बहुत सारी पहले से ही एप्लीकेशन है तो आप उनको इंस्टॉल करके नहीं रख सकते। तो अगर आपके फ़ोन में पहले से एप्लीकेशन है कोई जो बिना काम के आपके काम नहीं आती, तो पहले आप उनको इंस्टॉल कर दें, देन आप बड़ी एसेंस से इसके अंदर भी व्हाट्सएप आप चला सकोगे। तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास, जैसे कि इसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैंने अभी तक इसमें व्हाट्सअप चला के नहीं देखा, जो मैंने करना था, जो मुझे लगा था कि हाँ इसके बाद ठीक हो जाएगा, तो मैंने वो कर दिया था। अब आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर व्हाट्सअप काम करता है कि नहीं। तो वर्किंग बहुत ही स्लो काम करता है, तो इसके लिए सॉरी। तो पहले हम इसे देख लेते हैं इसके अंदर व्हाट्सअप काम करता है कि नहीं। तो व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो दोस्तों ये है व्हाट्सअप और हम इसे कर लेते हैं इंस्टॉल, अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, अब इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं पूरी तरह से काम करता है कि नहीं। तो दोस्तों ये आई एग्री और जो नंबर है वो डाल देते हैं, ताकि यार बहुत स्लो काम करता है, नंबर भी डालते कुछ और डल कुछ और जाता है। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली कोड को इसने कैच कर लिया, रिडायरेक्ट हो जाएगा अभी ये डायरेक्ट। तो दोस्तों कोड आ गया था इसके पास और इसने कोड को रीड कर लिया। अब यहाँ पे हम कुछ नाम डाल देते हैं जैसे कि, और ये हमारी चैट आ गई। तो दोस्तों व्हाट्सएप पूरी तरह से काम कर रहा है। अगर हम आपको रिस्टार्ट करके आपको दिखाऊं फ़ोन तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। पहले मैं आपको यहाँ पे चैटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा नंबर है और यहाँ पर मैं मैसेज कर देता हूँ एक बार कुछ भी। तो दोस्तों ये वही फ़ोन है जिसके अंदर व्हाट्सअप काम नहीं करता था। दोस्तों दूसरे मेरे फ़ोन पे आ चुका है जो कि रेड बॉक्स का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जियो रेड बॉक्स मैसेज आ चुका जो मैंने मैसेज किया। तो दोस्तों आपने देख लिया कि दोनों फ़ोन में अब व्हाट्सअप चल रहे हैं। इस फ़ोन में पहले व्हाट्सअप नहीं चलता था, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो बड़ी एसेंस आप चला सकते हो। पहली बात तो ये है कि आपको बहुत सारी जो भी एप्लीकेशन बेकार की है उन सभी को रिमूव करना होगा जो आपकी एप्लीकेशन काम नहीं आती है। तो दोस्तों बड़ी एसेंस आप इसमें भी चला सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पहले से ही कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप इसमें व्हाट्सअप इंस्टॉल करके इसी तरह आप चला सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ राइट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मिलने का, टेक केयर, जय हिंद।